फिल्म की शुरुआत में हमें दो स्कूल बसेस नजर आती हैं। इनमें से एक बस में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मित्सुको। मित्सुको अपनी डायरी पर कुछ लिख रही होती है। साथ वाली सीट पर बैठी लड़की उससे कहती है कि क्या तुम हमेशा लिखती ही रहती हो। तभी मित्सुको का पेन जमीन पर गिर जाता है। इस पेन को उठाने के लिए मित्सुको नीचे झुकती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे झुकती है दोनों बसेस कट जाती हैं और साथ में बसों में बैठी लड़कियां भी कट जाती हैं। मित्सुको जब ऊपर उठती है तो देखती है कि सभी लड़कियां कट चुकी हैं। यह देखकर वह घबरा जाती है। दरअसल हवा ने इन लड़कियों को काटा होता है। मित्सुको बस से नीचे उतरती है और भागने लगती है। यह हवा अब मित्सुको को काटने के लिए उसके पीछे लग जाती है। हवा से बचने के लिए मित्सुको लगातार भागती रहती है। भागते भागते मित्सुको को चार लड़कियां दिखाई देती हैं। मित्सुको इन लड़कियों को नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि यह लड़कियां कुछ समझ पाती हवा इन लड़कियों को काट देती है। लेकिन इनमें से एक लड़की बच जाती है क्योंकि मित्सुको ने इस लड़की को नीचे गिरा दिया था। यह लड़की भी चीखने चिल्लाने लगती है और घबरा जाती है। इसके बाद इनको कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जो साइकिल चला रही होती हैं। यह दोनों इन लड़कियों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे पहले कि यह कुछ कर पाती हवा इन साइकिल चलाने वाली लड़कियों को भी काट देती है। इसके बाद जिस लड़की को मित्सुको ने बचाया था उसे भी हवा काट देती है। अब मित्सुको फिर से इस हवा से बचने के लिए भागने लगती है। भागते भागते वह जंगल में चली जाती है। जंगल में वह एक नदी के पास पहुंचती है। नदी में बहुत सारी लाशें तैर रही होती हैं। यहाँ एक लाश से कपड़े उतारकर मित्सुको अपने कपड़े बदलती है और अपने ऊपर लगे खून को साफ करती है। इसके बाद मित्सुको फिर से चलना शुरू कर देती है। चलते चलते वह एक स्कूल में पहुंचती है जहां मित्सुको को उसकी दोस्त मिलती है जिसका नाम होता है आकी। यहां हमें पता चलता है कि मित्सुको और आकी एक दूसरे से प्यार करती हैं। यह लोग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक तेज हवा का झोंका आ जाता है। मित्सुको इस हवा के झोंके से डर जाती है और भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है। आकी को समझ में नहीं आता कि क्यों मित्सुको इतनी डर गई है। मित्सुको आकी को बताती है कि आज सुबह उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें हवा ने बहुत सारी लड़कियों को काट दिया। यह सुनकर आकी मित्सुको को खिड़की के पास ले जाती है और बताती है कि हवा पहले के जैसे ही है और यह किसी को नहीं मार सकती। मित्सुको को अच्छा महसूस कराने के लिए आकी टेको और सुर के साथ क्लास बंक करती है। तभी इनकी टीचर वहां पर आ जाती है और इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यह टीचर को चकमा देकर निकल जाती हैं। इनकी टीचर इस बात से बहुत नाराज हो जाती है। अब यह चारों लड़कियां भागकर एक लेक के पास आ जाती हैं। यहां पर आकी टेको और सुर को भी मित्सुको के बुरे सपने के बारे में बताती है। पूरी बात सुनकर सुर कहती है कि मित्सुको का सपना सच भी हो सकता है किसी दूसरी रियलिटी में, क्योंकि अनंत यूनिवर्स होते हैं और उन यूनिवर्स में अनंत रियलिटीज होती हैं। सुर इस बात का एग्जाम्पल पानी में पत्थर फेंक कर देती है। वह कहती है कि देखो मैंने इस रियलिटी में पत्थर फेंका है, लेकिन शायद मैंने दूसरे यूनिवर्स की दूसरी रियलिटी में पत्थर ना फेंका हो। तभी एक मगरमच्छ टेको पर अटैक करता है, लेकिन यह सब नकली था। असल में सुर एग्जाम्पल दे रही होती है कि किसी दूसरी दुनिया में टेको के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर हमारी टेको सही सलामत है। तभी इन्हें वहां पर एक बिस्तर नजर आता है जिसके तकिए उठाकर यह चारों खेलने लगती हैं। तभी मित्सुको को दो लड़कियां दिखाई देती हैं जिनमें से एक लड़की वेडिंग ड्रेस पहने होती है। यह दोनों यहाँ पर अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने आई होती हैं। सुर मित्सुको को एक बात बताती है कि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है और अगर हमें अपनी डेस्टिनी को धोखा देना है तो हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा, यानी जिसकी उम्मीद ही ना हो। अब यह चारों लड़कियां वापस अपने स्कूल आ जाती हैं और अपनी अगली क्लास ज्वाइन कर लेती हैं। तभी मित्सुको को जमीन पर एक तकिया नजर आता है जिसे उठाने के लिए मित्सुको नीचे झुकती है, लेकिन जैसे ही मित्सुको नीचे झुकती है इनकी टीचर सभी लड़कियों को गोलियों से भूनकर मार देती है। टीचर मित्सुको को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई क्लास बंक करने की। तभी सुर और टेको वहां आ जाती हैं और मित्सुको को लेकर भागती हैं। यह तीनों दूसरी क्लास में जाकर छुप जाती हैं। तभी इनकी दूसरी टीचर वहां आती है और टेको को मार देती है। सुर मित्सुको को लेकर भागती है, लेकिन पीछे से इनकी टीचर सुर को भी गोली मार देती है। मरते मरते सुर मिस टेको को कहती है कि तुम्हें डेस्टिनी को हराना होगा। इसके बाद मित्सुको और स्कूल के बाकी बच्चे स्कूल से बाहर आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। स्कूल की टीचर्स इन्हें अलग अलग तरह की गन से मारने लगती हैं। बहुत कम लड़कियां गोलियों से बच पाती हैं और जो बच जाती हैं उन्हें हवा काटकर मार डालती है। मित्सुको फिर से अकेली हो जाती है और भागने लगती है। भागकर वह एक भीड़ वाले इलाके में आ जाती है। यहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलती है जिसे वह बताने की कोशिश करती है कि अभी अभी उसके स्कूल में क्या हुआ। यह पुलिस ऑफिसर अपना नाम टोमो को बताती है और कहती है कि तुमने यह स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है, तुम्हें तो रिसेप्शन पर होना चाहिए। टोमो को मित्सुको को आईना दिखाती है। जब मित्सुको आईने में देखती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। टोमो को मित्सुको को केको नाम से पुकारती है। अब टोमो को केको को उसकी शादी कराने के लिए लेकर जाती है।
रास्ते में बहुत सारी औरतें केको को बधाई देने लगती हैं। टोमोको केको को चर्च में लेकर आती है जहां पर उसे आकी मिलती है। आकी को देखकर मित्सुको को थोड़ा अच्छा लगता है और वह आकी से पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। आकी मित्सुको को बताती है कि तुम केको और मित्सुको दोनों हो और यह तुम्हारी शादी है और तुम घबराओ मत, मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करना। इसके बाद आकी मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और फिर जो लड़कियां मित्सुको की वेडिंग देखने आई थी आकी उन्हें मारने लगती है। आकी एक एक करके सभी लड़कियों को मार देती है और फिर मित्सुको को जाने के लिए कहती है। मित्सुको एक टूटी हुई बोतल हाथ में पकड़कर चलने लगती है। सभी लड़कियां इसे शादी की बधाई देती हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सभी लड़कियां अपने कपड़े उतारकर मित्सुको को चिढ़ाने लगती हैं। मित्सुको आगे बढ़ती है और उसे अपने सामने एक कॉफिन नजर आता है। इसमें से एक सुअर बाहर निकलता है। इसे देखकर मित्सुको डर जाती है और टूटी हुई बोतल से इस सुअर को मार डालती है। इसके बाद मित्सुको बाकी लड़कियों को भी मारती है। तभी यहाँ पर आकी आ जाती है और मित्सुको को वहां से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी ब्लैक ड्रेस पहने दो औरतें वहां पर आ जाती हैं और इनका रास्ता रोक लेती हैं। मित्सुको और आकी इन दोनों से लड़ती हैं और वहां से बाहर निकलती हैं। बाहर आने के बाद आकी मित्सुको को भागने के लिए कहती है। मित्सुको वहां से दूसरी दिशा में भाग जाती है। फिर वह मिरर में देखती है कि उसका चेहरा फिर से बदल गया है। तभी वहां कुछ रेस लगाने वाली लड़कियां आती हैं और मित्सुको को इजुमी नाम से पुकारती हैं। यह इजुमी से कहती है कि हमें इस रेस को जीतना है। इजुमी भागने लगती है। रास्ते में यह लड़कियां इजुमी को बताती हैं कि तुम बचपन में भागने में बहुत तेज थीं और तुम हर रेस जीता करती थीं और तुम्हें इस रेस को भी जीतना है। यह सुनकर इजुमी मोटिवेट हो जाती है और अपना पूरा फोकस रेस जीतने पर लगा देती है। तभी इजुमी को टेको और सुर भी दिखाई देती है। तभी पीछे से आकी भी आ जाती है। इसके बाद जिस सुअर को मित्सुको ने मारा होता है वह सुअर और ब्लैक ड्रेस वाली औरतें इजुमी की तरफ आने लगती हैं। इसके बाद यह तीनों इजुमी से ट्रैक बदलने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इस दुनिया से भागना होगा। इजुमी वहां से भागकर एक वीरान सी जगह पर आ जाती है। यहां उसे एक लड़की मिलती है जो उसे लेकर एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहां स्कूल ड्रेस पहने काफी लड़कियां होती हैं। यह लड़की इजुमी से कहती है कि हम सब मर चुकी हैं और अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी आकी वहां आ जाती है और इजुमी को बचाती है और कहती है कि इजुमी तुम्हें अपना असली नाम मित्सुको पुकारना होगा। यह सुनकर इजुमी कई बार अपना असली नाम मित्सुको पुकारती है। इसके बाद वह फिर से मित्सुको बन जाती है। इसके बाद आकी मित्सुको से अपने हाथ में लगी वायर को खींचने के लिए कहती है ताकि वह मर सके और मित्सुको इस दुनिया से बाहर निकल सके। मित्सुको के लिए यह मुश्किल था क्योंकि वह आकी से प्यार करती थी, इसलिए वह उसे कैसे मार सकती थी, लेकिन आकी किसी तरह से उसे कन्विंस कर लेती है। इसके बाद मित्सुको वायर खींच देती है। वायर खींचते ही आकी के दो टुकड़े हो जाते हैं और एक पोर्टल खुल जाता है जिसके बीच में से होकर मित्सुको मेंस वर्ल्ड में आ जाती है, यानी आदमियों की दुनिया में आ जाती है। यहाँ वह अपने आप को और अपने तीन किरदारों को पोस्टर पर देखती है। तभी यहाँ पर एक आदमी मित्सुको को बताता है कि तुम फ्यूचर में हो। यह सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह बहुत सारी लड़कियों को दीवार के पास खड़ा देखती है। थोड़ा आगे चलकर मित्सुको को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो गेम खेल रहा होता है और गेम के अंदर मित्सुको को अपने ही किरदार नजर आते हैं, यानी यही बूढ़ा आदमी मित्सुको को और इसके दो किरदारों को कंट्रोल कर रहा था। यह बूढ़ा आदमी मित्सुको को बताता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त एक गेम के करेक्टर हो जिसे मैंने बनाया है। असल में तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो, लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए को बचाकर तुम्हारा एक रियलिस्टिक करेक्टर बनाया है। इसी तरह मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी बनाया है ताकि तुम हमारा एंटरटेनमेंट कर सको। यहाँ मित्सुको को पता चलता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह तो बस एक गेम का हिस्सा था। यह जानकर उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो देखने में इस बूढ़े व्यक्ति का ही जवान रूप नजर आता है। वह मित्सुको को अपने साथ सोने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि जाओ अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ दो और मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दो। इसके बाद मित्सुको इस आदमी के साथ लेट जाती है। तभी मित्सुको को अपनी दोस्त सुर की कही बात याद आती है कि किस्मत को तभी चीट किया जा सकता है जब तुम कुछ अनएक्सपेक्टेड करो। इसके बाद मित्सुको इस आदमी का गला दबाती है और कहती है कि हमारे साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करो। इसके बाद मित्सुको बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने आप को ही मार डालती है क्योंकि इससे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और कुछ नहीं हो सकता था। इसके बाद मित्सुको मर जाती है और यह बूढ़ा आदमी चीखने चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बस में जब मित्सुको के हाथ से पेन गिरता है तो इस बार वह इसे उठाकर अपने आप को ही मार लेती है। इसी तरह केको भी अपने आप को बोतल से मार लेती है और इजुमी भी अपने आप को मार लेती है। अब मित्सुको अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाती है जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और मित्सुको कहती है कि आखिर यह सब खत्म हो ही गया। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। असल में मित्सुको केको और इजुमी के साथ जो हुआ वह सब इस बूढ़े आदमी की वजह से हुआ, लेकिन जैसे नॉर्मल गेम होती है यह गेम वैसी नहीं थी।
इस गेम के कैरेक्टर इन्हीं की असल जिंदगी में बचे हुए डीएनए से बने थे, जिस वजह से इनमें रियल फीलिंग्स थी। यह फीलिंग्स ही इन्हें उत्साहित करती हैं कि किसी तरह वह इस गेम से बाहर निकलें। मित्सुको की दोस्त उसे रास्ता दिखाती है, जिसके बाद फाइनली मित्सुको इस गेम से बाहर निकलती है और गेम को बनाने वाले से मिलती है, जिससे इसे पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ वह तो बस इस गेम का हिस्सा था। यह जानकर मित्सुको हैरान रह जाती है। वह जान जाती है कि वह बार बार गेम के स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर खड़ी हो जाएगी, जिसके बाद फिर से उसके साथ वही सारी घटनाएं होंगी। लेकिन मित्सुको ने गेम के पहले राउंड में ही यह जान लिया कि अगर उसे डेस्टिनी को हराना है, यानी उनके कंट्रोल में नहीं रहना है, तो उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा। यह जानने के बाद मित्सुको मर जाती है और किसी नोवेयर में पहुंच जाती है, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और यहां वह कहती है कि फाइनली यह सब खत्म हो ही गया, यानी वह अब उनके कंट्रोल में नहीं है। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच।